चाललं तुमचं? पीआर एरिया में आ जाइए. वी आर अबाउट टू बिगिन द शो. तो रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू ऑल कि आप सब पीआर एरिया में आ जाएं. लेडीज एंड जेंटलमैन, सचिन पिलगांवकर सर का जरा जोरा देखता. सचिन जी अब बिग एफएम और जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे फॉर्मली यहां पर हमारे सचिन पिलगांवकर सर. जोरदार तालियों के साथ स्वागत. शुरुआत की थी जैसा आपको याद होगा पिछले साल ये अवार्ड हमने नागराज मंजुले को प्रदान किया था जब सैराट के जरिए उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हलचल मचा दी थी और महाराष्ट्र सिनेमा को यानी महाराष्ट्र के फिल्म को घर घर तक पहुंचा दिया था. तो नागराज मंजुले को पिछले साल महाराष्ट्र आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया था और इस साल हमारे बीच सचिन पिलगांवकर सर है और सर के बारे में मैं कहां से शुरुआत करूं यही सोच रहा हूं. लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भावना सोमैया जी को आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मंच पर कि वो यहां पर आए. भावना जी महाराष्ट्र आइकन ईयर ऑफ द ये जो अवार्ड हम दे रहे हैं इसके बारे में आप पूछ रहे. समझती हूँ कि सिर्फ एक महाराष्ट्र डे नहीं हमको पूरा साल जिस शहर में हम रहते हैं या जिस स्टेट में हम रहते हैं मनाना चाहिए. और बिग एफएम की एक खासियत रही है कि हर त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सही इंसान को चुन के उनका सम्मान करते हैं जैसे कि आज होने वाला है. तो महाराष्ट्र आइकन ईयर ये जो हम अवार्ड देने जा रहे हैं चलिए इस अवार्ड को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर बुलाते हैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ सचिन पिलगांवकर सर को. सचिन जी का बहुत बहुत स्वागत. आप सभी की जोरदार तालियों के साथ बजाइए ना जरा. ऐसे किश्तों में क्यों बजा रहे हैं आप? इंस्टॉलमेंट में मत बजाइए जम के बजा दीजिए जरा सा माहौल बन जाएगा.
वेलकम करने का कुछ कह रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही महसूस हो रहा है अभी कहने का दिल कर रहा है गणपति बप्पा मोरिया। बिल्कुल उस फील में चले गए हम लोग। अच्छा बाला जी, आपने तो सचिन जी की जो जर्नी है वो बिल्कुल करीब से देखी है, तो सचिन जी का ये जो करियर रहा है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ खास बातें, कोई खास मुलाकात? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आज अभी जब आप आए उसके पहले याद कर रही थी कि मैं आपसे पहली बार कब मिली थी, तो मेरे हिसाब से लेट 70s में, 76 में सबसे पहले मुलाकात। अच्छा, मुझे लगा कि मैंने जर्नलिज्म 78 में शुरू किया, मगर आप कह रहे हो कि 76 है, मधुमालती की शूटिंग थी। जी 76। तो मधुमालती वासु भट्टाचार्य की शूटिंग थी और वो यूनिवर्सिटी कैंपस में थी जहाँ बहुत ज्यादा पेड़ और मैं बताता हूँ कहाँ थी। इस्माइल यूसुफ कॉलेज में थी, जोगेश्वरी। तो सचिन और सारिका बैठे थे और कुछ बासुदा का लाइट या जनरेटर का कुछ प्रॉब्लम था उस दिन, और मैं पहुंच गई थी इन दोनों को इंटरव्यू करने के लिए। पहली बार हम तीनों मिल रहे थे और पता नहीं कैसे दिल जुड़ गए कि हम लोग कुछ 4-5 घंटे जब तक शूटिंग नहीं हो रही थी बातें कर रहे थे। मैं आज सोचती हूँ कि हम किस विषय पे बात करते होंगे, क्योंकि पहली बार अगर किसी से मिल रहे हो तो इतना कैसे हो सकता है बात करने का। नहीं, क्या है कि अगर 3 में से 1 पुरुष और 2 महिलाएं तो कौन बात कर रहा है, तो किस विषय में बात कर रहे हैं ये कहना जरा मुश्किल है। नहीं, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व थे और आप वहाँ बैठे थे और सिर्फ आप हमारे लिए चाय ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर निकले थे। जी, तो मतलब आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। मगर मैं ये बता दूं कि एक बहुत ही स्वीट, वेल मैनर्ड, अच्छे दिल का लड़का, जो मैं अभी भी हूँ। हाँ, मैं लड़के के बारे में कह रहा था। नहीं नहीं, किसके बारे में कह रहे हैं? लड़के के बारे में। हाँ, वो लड़का आप थे। जिसकी उम्र में 50 साल तो सिर्फ काम किया है जिसने, और स्टेट ने उनका सम्मान किया है 50 years of सचिन, रिमेम्बर? जी। तो देन होल टाइम यू वर ऑन द सेट सोली? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से व्हाट आई वाज अबाउट 4.5 years old when I started acting as such, and now about 55 years, 55th year in the industry right now. So I'm very much grateful, not only to the Almighty but also to Maharashtra, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। मेरी मातृभाषा मराठी है, जो पैदा होते ही मुझे मिली। उसके बाद महाराष्ट्र में जितनी भी जबान है, जितनी भाषाएं जिन जो पल पोसकर बड़ी हुई हैं, उन्हें भी अपनाने का मौका मिला। और मैं समझता हूं महाराष्ट्र ने जो मुझे दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि महाराष्ट्र के अलावा जो स्टेट्स हैं उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, ये अगर मैं कहूंगा तो वो गलत हो जाएगा। सबने बहुत प्यार दिया, लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से हुई जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मराठी माझी मातृभाषा है आणि ती मला अत्यंत प्रिय आहे, आणि का नसावी? आणि मला मातृभाषा माझी प्रिय आहे याचा अर्थ काय? म्हणजे आपण आपल्या आईला प्रेम करतो याचा अर्थ दुसऱ्याच्या आईचा तिरस्कार करतो असं होत नाही, पण आपल्या आईवरती प्रेम करतो हे मात्र नक्की। मुझे मेरे इस प्रवास में और प्रयास में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा और पहला हाथ रहा है मेरी माँ का, और मेरी कोशिशें तो अभी भी जारी हैं। ये भी मुझे उसने सिखाया है कि सालों के को गिनते मत बैठना, वो भी वक्त जाया हो जाएगा। उस वक्त का इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। ये मत देखो कि तुमने क्या किया है, वो काम दूसरों का है तुमको आगे बताने का कि हमने आपकी वो फिल्म देखी, आपका ये काम देखा नहीं, आपका वो काम देखा। वो उनका काम है और वो उनका मान है, तुम्हारा मान नहीं है। आगे तुम क्या करने वाले हो
ये तुम्हारा मान भी है और काम भी है। तो ये ऐसे में रहा हूं और ऐसे ही मैं रहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि मैं एक इंडस्ट्री में जब मैंने कदम रखा 4.5 साल की उम्र में, मेरा पहला कदम जो मैंने रखा वो मेरे पहले गुरु राजा बाबू परांस पे, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि जिनकी उंगली पकड़ के मैंने इस इंडस्ट्री में पहला कदम रखा। अनगिनत गुरु उसके बाद में मुझे नसीब हुए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि उस वक्त जो पहला कदम लेते वक्त जो मैं जैसा मैं महसूस कर रहा था एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, वो मैं अपनी जिंदगी के आखिर तक वही महसूस करूंगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने उनको इतने सारे दशकों से मैं देखती आ रही हूँ, और वो एक्टर है, बहुत कुछ लिखते भी है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, टीवी में काम किया है, डायरेक्ट किया है, सॉरी डांसर तो है ही, तो सॉरी सिंगर भी है। तो मतलब मेरी माँ मुझे कहती थी कि सागर का सारा पानी एक इंसान को नहीं पीना चाहिए, तो मगर ये जो दोस्त है मेरा वो सारा सागर का पानी पिएगा, अपने घर वालों को भी पिलाता है, अभी बेटी भी आई गई है, बीवी तो है ही। बट द पॉइंट इज कि जितने लोगों से मैं मिलती हूँ, जितने एक्टर्स के साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ, जब कभी भी सचिन की बात होती है तो एवरीबडी हैज अ स्माइल ऑन देयर फेस, एंड देयर इज अ जेन्युइन अफेक्शन एंड अ रिस्पेक्ट, एंड इट इज बिकॉज ही हैज स्टेड ओवर द इयर्स ग्राउंडेड। और जैसे उन्होंने कहा कि वो पहले भी विद्यार्थी थे, अभी भी विद्यार्थी हैं, और वो ये नहीं सोच रहे कि मैंने देखो कितना कमाल का सब कर दिया और कितनी मराठी फिल्म्स मेरी हिट है और हिंदी सिनेमा में मैं कितने सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुका हूँ वगैरह वगैरह। तो मेरे लिए वो हमेशा सिर्फ सचिन रहे हैं, बल्कि पहली बार जब मैं स्क्रीन में थी और हम उनको जूरी में ले रहे थे, उसके पहले भी वो स्क्रीन की जूरी में रहे थे, तो मेरी असिस्टेंट ने मुझे कहा सचिन पिलगांवकर का कंफर्म हो गया। मैंने कहा मुझे कोई पिलगांवकर नहीं चाहिए, मुझे वो सचिन चाहिए। तो उन्होंने कहा मगर वो वही सचिन पिलगांवकर। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो जो चाइल्ड स्टार था ना, बाद में मुझे एक्टर बना, वो सचिन चाहिए। Then he came and I said, your surname is Pilgaonkar. I have never bothered to find out your surname. Because I never bothered to even put it on screen. You see, मेरा ख्याल है कि मेरा सरनेम लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम मेरी बीवी ने किया है, क्योंकि वो सचिन पिलगांवकर ये लोगों को पता नहीं, सुप्रिया पिलगांवकर लोगों को पता है, तो वो सुप्रिया पिलगांवकर कौन, तो सचिन की बीवी, तो सचिन का सरनेम पिलगांवकर ऐसा हुआ। अब वो काम और ज्यादा आगे बढ़ाया है श्रिया पिलगांवकर, तो वो भी अपना पूरा नाम पिलगांवकर लगाती है। और जब दोनों ने ये लगाना शुरू किया तब से मैंने ये ठान ली कि नहीं भाई, मैं भी अभी सचिन पिलगांवकर ही लगाऊंगा। और तब से मैंने 2015 से ये मैंने डिसाइड किया और उसका ऐलान भी किया, सब प्रोड्यूसर्स को कहा, सब जो मैं काम कर रहा था कि भैया अभी सचिन पिलगांवकर होगा, लेकिन इंग्लिश लिखते वक्त वो पिलगांवकर में GAON होना बहुत जरूरी है, लोग गांव कर लेते हैं, एन नहीं लगाते, वो एन मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा, और होना भी चाहिए और लकी भी है। नहीं मतलब न्यूमरोलॉजी में कोई फर्क पड़ा क्या पिलगांवकर का? मैं न्यूमरोलॉजी पे माफ कीजिए मैं विश्वास नहीं रखता, जो रखते हैं वो गलत करते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा जोर लगन पे और काम पे देना चाहता हूँ, क्योंकि कितने भी आप न्यूमरोलॉजी कर लीजिए, काम अगर अच्छा नहीं करेंगे तो इसका बाप आपको कुछ नहीं मदद कर सकता। लोग डबल ए कर देते हैं, या जैसे कि सचिन का डबल एन एंड में कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो सब दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसा है। और मैं आपसे एक और चीज अवार्ड से पहले कहना चाहूंगा। जी जी सर, कि आपने एक तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो आपने मुझे चुना महाराष्ट्र आइकॉन के लिए, और आइकन होना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है, और उससे ज्यादा बड़ी बात होती है उसको समझना। जी, वो बनता कब है जब लोग समझते हैं, अगर समझे ही ना, मतलब अगर देखिए भक्ति ना हो तो भगवान भगवान होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, वो खुदा इसलिए है क्योंकि उसको मानने वाले लोग हैं, तभी जाके उसका अस्तित्व बनता है। तो मैं हम लोग तो सब इंसान हैं, लेकिन हमारा महत्व दूसरे जब सोचते हैं तभी बनता है। और मुझे इतना इम्पोर्टेंट महसूस आपने जो कराया है आज, आप सब ने,
उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसे मैंने जो वचन दिया था मैं उस वचन को निभाऊंगा, ये भी एक और वचन दे रहा हूं उसके ऊपर। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिनको आपने चुना है मुझे ये अवार्ड देने के लिए, वो आपने बिल्कुल सही चुना है। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे चुना है वो सही चुना है, नहीं, जिनको चुना है ये देने के लिए वो बिल्कुल सही चुना क्या है, क्योंकि हमारा जो जर्नी रहा है इतने सालों का जी, वो इतना अच्छा रहा है। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, प्लीज, और बहुत ही छोटा है जी, बहुत ही नेचुरल है जी, जी, जी। कि जब पहला इंटरव्यू मेरा भावना ने लिखा और वो जब छप के आया, तब जाहिर सी बात है उस वक्त कोई टेलीविजन वगैरह ऐसी चीजें हुआ नहीं करती थी, बिल्कुल, तो सिवाय पढ़ने के दूसरा कोई रास्ता होता नहीं था। तो वो मैगजीन घर पे आई थी, नेचुरली भी मेरा इंटरव्यू छप के आया है तो वो मैगजीन तो कम अज कम घर पे आती ही है जी। तो वो मेरी माँ ने पढ़ा, माँ ने पढ़ा और माँ ने पूछा मुझे, बोला ये कौन है, ये भावना क्या सरनेम क्या है, उसको ठीक से पढ़ने नहीं आया। मैंने कहा सोमैया। हाँ सोमैया, कौन है ये? मैंने कहा दोस्त है मेरी, लेकिन मैंने कहा लिखती है जो मन में आए वो, दोस्ती वोस्ती पढ़ के नहीं लिखती। उस मामले में जरा खड़ूस है। तो मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा लिखा है उसने, और बिल्कुल जो नहीं लिखना चाहिए वो भी नहीं लिखा उसने, मतलब जो इसके लिए नहीं उसको नहीं अच्छा लगा वो लिखा उसने, और जो लगा अच्छा वो लिखा उसने। ये बहुत ही ईमानदार लड़की है, क्या बहुत अच्छी बात है, मैं पहुंचाता हूं मैसेज तुम्हारा। बोले सिर्फ पहुंचाना नहीं, उसको बोलना मैंने उसको मिलने के लिए बोला है। वाह। तो भावना हमारे जूहू के फ्लैट में, लीडो सिनेमा के पास, करेक्ट, वो मैंने बताया कि वो आ रही है, दो तीन दिन के बाद वो आ जाएगी, फोन करके बुलाएगी, लैंडलाइन पे फोन करके बताएगी कभी आ रही है, मोबाइल तो थे नहीं। तो हाँ, तो तीन दिन के बाद का वक्त हुआ, वो मैंने बता दिया माँ को, ठीक है भाई वो जाने, मुलाकात कर लेंगे, चाय पी लेंगे, भेंट हो जाएगी। तो भावना घर पे आई, मैंने माँ को बुलाया, पहचान कराई कि ये भावना है। अंदर गई, एक पैकेट में एक साड़ी लेके आई और उसने भावना को वो साड़ी दी और भावना को कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अच्छा काम करती हो, बहुत आगे बढ़ोगी। उस वक्त तो शुरुआत ही थी भावना के करियर की। तो ये आशीर्वाद मेरी माँ ने भावना को दिया और भावना बहुत भावुक हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी, नामी भावना। तो वो साड़ी लेके वो घर गई, उसके बाद उसने मुझे फोन करके बोला, उस वक्त वो बोल नहीं कुछ पाई, नहीं सूझा कुछ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट वो सवाल कुछ निकले ताड़ से पूछ लेंगे, लेकिन जब इमोशन की बात आती है, शी इज अ वेरी इमोशनल पर्सन, शी इज अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, हाँ, लोगों को पता नहीं है अभी तक, हाँ। तो वो कुछ बोल नहीं पाई और वो घर गई, उसके तीन चार दिन बाद फोन करके बोला कि आई को बोलना बहुत बहुत थैंक यू, मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाई, आई वॉज मूव्ड सो मच। सो दिस इज वन एग्जाम्पल विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू, के हमारी शुरुआत तो हुई लेकिन हमारी नजदीकी क्या है ये भी आपको पता चलना जरूरी है। इसलिए आपने बहुत सही किया कि इनके हाथ से आप मुझे ये अवार्ड मिला। यार ये लम्हा एक बार भावना जी के लिए भी जरा तालियां जम के हो जाए। आइकन ऑफ द ईयर 2018 का ये जो अवार्ड है, ये मान सम्मान के साथ महाराष्ट्र की शान कही जाती है पुणेरी पगड़ी, और पुणे में ये एक रिवाज है कि पुणेरी पगड़ी प्रदान करके फिर अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो पहले पुणेरी पगड़ी आप सचिन जी को पहना जी 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 जी, जी।
जबरदस्त। और चलिए इस लम्हे को और यादगार बनाते हैं, वी हैव अ केक जो यहाँ पर आएगा। और अच्छा मीठा, बिल्कुल मीठा होगा। एंड मैं एक चीज खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ये जो अवार्ड भी आप लोगों ने बनाया है और बनवाया है ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं हाँ मतलब अवार्ड दिया इसके लिए शुक्रिया तो अदा करना चाहूंगा ही, लेकिन ये अवार्ड को आपने खूबसूरत भी बनाया है इसके लिए भी शुक्रिया। एक्चुअली क्या है कि एक इंसान की फितरत होती है, एक एटीट्यूड होता है, और सचिन की ये है हैबिट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हर चीज में वो अच्छा ही देखते हैं, व्हिच इज आल्सो सच अ पॉजिटिव थिंग टू डू इन लाइफ। व्हाट डू यू से राठी? अगदी बरोबर बोलत मैडम। आनंदिता प्लीज कम, योर प्रोग्राम है। सो मैं चाहता हूं कि ये जो शानदार बुके है ये आप आनंदिता आपके हाथों से सर को प्रदान करें। ये हमारी प्रोग्रामिंग हेड है मुंबई टीम की आनंदिता जी। कुछ पिक्चर्स हो जाए ट्रॉफी के साथ। तू घेतलं का? घेतलं घेतलं सर। अभी हमारे साथ स्टूडियो की ओर आगे बढ़ेंगे।
एंड पूरे हफ्ते आप उनको सुनने वाले हैं बिग एमजे ऑफ द वीक ऑन 92.7 बिग एफएम। चलिए सर स्टूडियो की ओर चलते हैं।